ये किसने स्टार्टर लिखा है? हाँ तो कैसे किसने होंगे? ये हमारे पापा के फ्रेंड का ही फोटो है, हम उनको जाके ही पूछते हैं। ठीक है चलो। अरे रुद्रक्ष, तूने सर को फोन किया? हाँ मैंने सर को फोन कर दिया और उन्होंने कहा है कि स्टार देखना हो तो आज रात आ जाना, क्योंकि स्टार देखना हो तो रात को ही जाना पड़ेगा, तो हम अभी थोड़ी देर में निकल जाते हैं। अरे रुद्रक्ष, स्टार रात को ही दिखता। हम लोग सर की दी हुई लोकेशन पे पहुंच चुके हैं और अभी सर की वेट कर रहे हैं। अरे रुद्रक्ष, ठंड भी बहुत लग रही है, सर आ जाए तो अच्छा होगा। सर यानी कि गब्बर, यहाँ के लोग इनको गब्बर के नाम से ही जानते हैं। ये हमारे एरिया के जंगल के टार्जन है, क्योंकि इन्होंने हमारे डांग फॉरेस्ट का कोना कोना छान लिया है और यही हमें स्टार गेजिंग और स्टार ट्रेल के बारे में सिखाने वाले हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने इतने बिजी शेड्यूल में भी हमारे लिए टाइम निकाला। सो लिटिल चैंप्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स एक्सप्लोर द यूनिवर्स। तो बच्चों, आपने कभी नाइट में जंगल में आके स्टार्स देखे हैं? नहीं। तो चलो आज हम स्टार्स देखते हैं। बच्चों, हम जो अर्थ पे रहते हैं वो अर्थ कहाँ पे आई है आपको पता है? सोलर सिस्टम। वेरी गुड। तो सोलर सिस्टम में कौन कौन से प्लैनेट्स हैं? मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। टोटल कितने हुए? 8। वेरी गुड। तो बच्चों चलो आज हम थोड़ा स्टार्स के बारे में जानते हैं। आपको पता है अपनी अर्थ से क्लोजेस्ट स्टार्स कौन सा है? क्या? सन। वेरी गुड। आपको पता है स्टार्स हमें किस तरह से यूजफुल होते हैं? हाँ, स्टार्स हमें डायरेक्शन देखने में और टाइम देखने में। और दूसरा पता है क्या है? अब जिंदा हो स्टार्स की वजह से। क्यों पता है? क्योंकि सन भी अपना एक स्टार है। तो सन के बिना आप जिंदा रह सकते हो? नहीं। तो आपने बोला डायरेक्शन, हमारी चार डायरेक्शन है, कौन कौन सी पता है? नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। वेरी गुड। तो नाइट में नॉर्थ डायरेक्शन देखने के लिए क्या करना पड़ता है पता है आपको? आज हम देखेंगे। सन मॉर्निंग में ईस्ट में राइज होता है और शाम को वेस्ट में सेट होता है। तो पूरा दिन सन ईस्ट से वेस्ट ट्रैवल करता है, वो तो आपने देखा होगा कि सुबह यहाँ पे है, दोपहर को आसमान में आया ऊपर और शाम को इतनी। तो वैसे ही सभी स्टार्स राइज होते हैं और सेट होते हैं। तो अभी एक स्टार यहाँ पे है बराबर, तो वो 2 घंटे बाद हमें वहाँ पे दिखेगा और ऐसा करके वो वहाँ पे सेट हो जाएगा बिल्कुल सन की तरह, ईस्ट से वेस्ट। लेकिन एक स्टार ऐसा है जो वहीं पे वहीं रहता है और वो है पोल स्टार। पोल स्टार कभी राइज नहीं होता, कभी सेट नहीं होता, वो कभी ट्रैवल नहीं करता, वो वहीं पे रहता है, हमें वहीं पे दिखेगा। आप रात को 8 बजे देखो या सुबह 4 बजे देखो, वो वहीं पे दिखेगा। तो वो है पोल स्टार। तो आपने जब पोल स्टार ढूंढ लिया स्काई में, तो वो हो गई अपनी नॉर्थ साइड। कौन सी साइड? नॉर्थ।
पोल स्टार नॉर्थ साइड के ऊपर ही रहता है और वो कहीं नहीं जाता। तो नॉर्थ साइड देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पोल स्टार को ढूंढना पड़ेगा। आपके घर में मोबाइल फोन है? हाँ। तो आज हम मोबाइल फोन की हेल्प से पोल स्टार ढूंढ रहे हैं। चलो इधर आ जाओ। तो ये स्काई व्यू एप्लीकेशन है, हम इसे ओपन करते हैं। देखो स्टार्स दिखे सब? तो अब हमें क्या ढूंढना है? पोल स्टार। पोल स्टार। तो हम यहाँ पे सर्च करते हैं पोल स्टार। ये पोलरिस जो लिखा है वही पोल स्टार है, ठीक है? तो ये है अपना पोल स्टार। तो नॉर्थ साइड कौन सी हुई? तो साउथ साइड कौन सी हुई? बराबर। तो अभी देखो मैं मोबाइल नीचे करता हूँ तो वहां पे आपको एक स्टार दिखेगा ये डायरेक्शन में, वो दिख रहा है? हाँ। That is पोल स्टार। तो नॉर्थ डायरेक्शन ढूंढ लिया आपने? चलो मैं आज आपको एक टास्क देता हूँ, स्काई में सबसे ब्राइट स्टार मुझे ढूंढ के दिखाओ। वेरी गुड। वो स्काई का सबसे ब्राइटेस्ट स्टार है, उसका नाम पता है आपको? उसका नाम है सीरियस। सीरियस इज द ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई। उससे ब्राइट होते हैं जुपिटर और वीनस, लेकिन वो दोनों प्लेनेट है। तो स्टार में सबसे ब्राइट सीरियस, और दिन और रात दोनों को मिला के सबसे ब्राइट कौन सा है स्टार? सन। वेरी गुड। सर मैंने आपके कई फोटो मेरे पापा के फेसबुक में देखे, उसमें से दो फोटो में एक में सर्कल में स्टार थे और एक में लाइन में थे, वो आपने कैसे किया? हम उसे स्टार ट्रेल के मैंने आपको बोला ना कि स्टार्स भी सन की तरह ट्रैवल करते हैं स्काई में, तो बस स्टार की उस जर्नी को एक फोटो में खींचना उसे स्टार ट्रेल कहते हैं। तो सर हमें भी सिखाओ ना। ठीक है, तो चलो आज हम स्टार ट्रेल कर सकते हैं। इधर तो आज हम सर्कल वाली स्टार ट्रेल खींचते हैं, ठीक है? तो सर्कल वाली स्टार ट्रेल के लिए हमें पहले पोल स्टार ढूंढना पड़ेगा। वो हम कैसे ढूंढेंगे? स्काई व्यू से। तो हमें ये रहा हमारा पोल स्टार, तो हम कैमरे को पोल स्टार की तरफ फेस करेंगे। तो हमने पोल स्टार ढूंढ लिया और कैमरा को पोल स्टार की तरफ फेस कर लिया। तो चलो हम कैमरा को स्टार ट्रेल के लिए सेट करते हैं, ठीक है? तो अब कैमरा स्टार ट्रेल के लिए सेटअप हो गया। अब ये कैमरा 2 घंटे तक स्टार्स का फोटो खींचेगा। तो चलो तब तक कैंपिंग का मजा लेते हैं। तो अभी हमारे कैमरा ने टोटल 200 फोटो खींचे हैं। अब ये सब फोटो को जोड़ के हम एक स्टार ट्रेल बनाएंगे। देखो आई होप आज आपने स्टार ट्रेल और स्टार गेजिंग को एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच सर, हमें इतना आज नॉलेज देने के लिए, और हम दूसरी बार पक्का आएंगे। हाँ, दूसरी बार आप हमारे साथ ट्रैकिंग और कैंपिंग में जरूर आना, वहाँ हम बहुत सारे स्टार्स देखेंगे।